उर्दू साहित्य के लिए उनकी दीवानगी अद्वितीय है। निराला से आगे जाकर नए नए काव्य रूप उन्होंने तलाशे। भाषा की संभावनाओं को तलाशने वाले वे ऐसे कवि हैं जो निज से संवाद करते हैं और निज से उनका यह संवाद सूफी हदों को छूता है। भाषा का रचनात्मक प्रयोग शमशेर की आदत में शुमार है। वे भावनाओं के उद्वेलन के कवि हैं। सभी प्रमुख कवियों और आलोचकों ने उन पर लिखा है और उन्होंने भी इन पर खूब लिखा है। सुंदरता शमशेर की कविता का बड़ा हिस्सा घेरती है। लीला उनका प्रिय शब्द है और विराम चिन्हों तक का वे बहुत ही उम्दा इस्तेमाल करने वाले शायर हैं, कवि हैं। शमशेर के व्यक्तित्व और रचनाकार को इतने संक्षिप्त रूप में प्रोफेसर दिलीप सिंह ने यहाँ विवेचित किया, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि सर को बुलाता हूँ। लोगों की स्मृतियों में शमशेर, प्रोफेसर टीवी कट्टीमणि। हाय डॉक्टर, इस बहाने शमशेर जी को पढ़ना जब मैंने शुरू किया दोबारा, नरेंद्र शर्मा जी की स्मृतियाँ उन्होंने पहले सांध्य मित्र में लिखा था, उन बातों को फिर आलोचना 2010 में अप्रैल जून में आलोचना पत्रिका ने दोबारा छापी है। नरेंद्र शर्मा जी के बाद कवियों के कवि शमशेर, रंजना अरगडे की पुस्तक जिन्होंने एक लंबी तलाश की है, एक बड़ी मोटी किताब उन्होंने लिखी, वहाँ भी शमशेर बहादुर सिंह पर जिन जिन लोगों ने बात की है, जिन जिन लोगों ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है, उस किताब को भी आपके सामने कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। शमशेर की शमशेरियत नामक जो लंबा लेख प्रोफेसर नामवर सिंह साहब का है, वहाँ भी कुछ इस तरह की घटनाएं हैं, कुछ इस तरह की बातें हैं, उनकी कविताओं के कुछ इस तरह के रूप हैं, कुछ इस तरह के आयाम हैं जिनको हर अलग व्यक्ति ने, हर अलग लेखक ने, हर अलग आलोचक ने अपनी एक ऐसी चीज़ वहाँ हमें दी है। हमें लगता है कि हर एक आलोचक को, हर एक समीक्षक को, हर एक लेखक को शमशेर अलग रूप से दिखाई देते हैं। नरेंद्र शर्मा शमशेर के कॉलेज के दिनों के मित्र थे। वो एक और लिखते हैं कि शमशेर और हम चारों में, शमशेर, नरेंद्र शर्मा, वीरेश्वर सिंह और केदारनाथ अग्रवाल, हम चारों में से सबसे अधिक बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे शमशेर बहादुर सिंह। अब शमशेर को लेकर जिन्होंने भी लिखा है, वहां एक सामान्य बात मैंने ये देखी, वे उर्दू के बहुत अच्छे जानकार थे, वो हिंदी में कविता जो करते थे पहले उर्दू में लिखते थे, बाद में उसका लिप्यंतरण वो हिंदी में करते थे, और कभी कभार वे अपनी कविता को अंग्रेजी में लिखते थे, हिंदी कविता को अंग्रेजी में लिखते थे, बाद में उसका लिप्यंतरण करते थे। रंजना अरगड़े के साथ उनकी जो बातें हुई हैं, लंबी मुलाकात है, उसमें उन्होंने ये बातें कही है, मैं सोचता हूँ अंग्रेजी में, बाद में लिखता हूँ अंग्रेजी में, बाद में हिंदी में उसका मैं रूपांतरण करता हूँ। हिंदी से अंग्रेजी और उर्दू में लिखना मेरे लिए बहुत आसान काम है। नरेंद्र शर्मा इन्हीं बातों को दोहराते हैं, शमशेर हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी में भी कविता लिखा करते थे।
कवि होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे चित्रकार भी थे। हिंदी के विद्यार्थी हम सब जानते हैं निराला कितने उदार थे, उदार व्यक्तित्व वाले थे। महादेवी वर्मा की स्मृतियों में, संस्मरणों में उन्होंने कहीं लिखा हुआ है, उनको मैंने एक नया कोट दिलाया था और कभी वो स्टेशन गए थे, उन्होंने किसी भिखारी को ठंड में ठिठुरते हुए देखा और अपनी कोट उनको ओढ़ा कर वो आ गए। बिल्कुल यहाँ नरेंद्र शर्मा की स्मृतियों में अपने पैसे और अपने कपड़े लत्तों को दे डालने में शमशेर तब भी पीछे न रहते जब उनके पास इन सब की कमी थी। बोर्डिंग हाउस में शमशेर का कमरा बड़ी सड़क की ओर खुलता था जहां वो सब थे। जाड़ों की रातों में सड़क के सहारे सोते हुए बेसहारा किसी गरीब को शमशेर ने कभी अपना गर्म कोट दे डाला तो कभी अपना कंबल दे दिया। एक उदाहरण वो देते हैं, वो अपने परीक्षा के फीस भरने गए तो कोई मित्र उनको मिल गए, वो रो रहे थे, उनका मुंह बहुत छोटा हुआ था, पूछा कि क्या कारण है। उन्होंने कहा कि ये आज परीक्षा का फीस भरना अंतिम दिन है, मुझे फीस भरना नहीं हो रहा है, इस बार मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा। तो शमशेर जी ने कहा कि चलो मैं अपना फीस भर दूंगा। तो उन्होंने पूछा कि आपका फीस? मैं भर दूंगा, आप तुम चिंता मत करो। जाकर उनका फीस उन्होंने भर दिया और उस बरस ये परीक्षा में नहीं बैठे, कारण है कि वो फीस नहीं भरे। इस तरह नरेंद्र शर्मा कुछ इस तरह की बातें हमारे सामने रखते हैं जिनसे हमें लगता है कि शमशेर केवल एक अच्छे कवि नहीं थे, शमशेर केवल हिंदी के जानकार नहीं थे, केवल उर्दू के जानकार नहीं थे, केवल अंग्रेजी के जानकार नहीं थे, वो केवल चित्रकार नहीं थे, उनके व्यक्तित्व में एक ऐसे उदार व्यक्तित्व छुपा हुआ था जो भारतीयता को दर्शाने वाली वो चीज़ है। जैसे भारतीयता में ये है, वो उर्दू संस्कृति में ये है, अंग्रेजी संस्कृति में ये हिंदी संस्कृति में भी इसको हम दे सकते हैं। और जैसे गरीब आदमी शमशेर, विद्यार्थी शमशेर उस समय में वो विद्यार्थी थे, बहुत बड़ा कवि चित्रकार साहित्यकार नहीं थे। अब जिस तरह हम उनको याद करते हैं, बचपन में ही उनके इस उदार व्यक्तित्व को उनके दोस्त, बचपन के दोस्त जैसे नरेंद्र शर्मा जी, जैसे वीरेश्वर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, इन चीज़ों को वहाँ हमारे सामने रखते हैं। पंत के बारे में, कवि पंत के बारे में शमशेर जी बहुत कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि वो मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं। और पंत ने भी उनके बारे में लिखा है कि ये मेरे छोटे मित्र हैं, छोटे भाई साहब हैं, लेकिन कवि के रूप में इनका जो अहम रूप है वो पंत जी हमारे सामने रखते हैं। और यहाँ नरेंद्र शर्मा एक और कहते हैं, वीरेश्वर, केदार और नरेंद्र ये मिलकर शमशेर को तंग भी करते थे, उनको तंग करते थे इसी भरोसे कि शमशेर तंग दिल नहीं है। उन दिनों हम तीनों शमशेर को गालिब की गजल कहकर चिढ़ाया करते थे। स्पष्ट है कि हम उन्हें नफीस रुचि का व्यक्ति मानते थे और उन्हें अक्सर शायर मिजाज दोस्त कहा करते थे। कहना न होगा कि शमशेर तब भी गालिब के प्रेमी थे और मुरक्कये चुगताई या सचित्र दीवाने गालिब कवि चित्रकार शमशेर का प्रिय ग्रंथ था। इस तरह शमशेर के बारे में लोग जो छोटी बहुत छोटी छोटी बातें उन्होंने जो याद करके लिखा है, जिससे लगता है कि शमशेर बचपन में ही, जवानी में ही, युवा अवस्था में ही अपनी प्रतिभा को दिखाते थे, अपने उदार व्यक्तित्व का दर्शन वो करते थे। और सब लोगों ने, मैंने
8 लोगों का मैंने अभिप्राय लेख पढ़ा, संस्मरण पढ़े, वहाँ एक सामान्य चीज़ है, वो संकोची व्यक्तित्व के कवि थे। कभी भी किसी सभा में, कभी भी किसी बड़े आदमी से, साहित्यकार से आगे बढ़कर कभी मिलना पसंद नहीं करते थे। किसी भी सभा में उनको बैठना था, पीछे चुप कर बैठ जाते, बात सुनते और निकल जाते। एक और वो लिखते हैं, कहते हैं, हाँ चूंकि गजल की दुनिया ही अलग है, इसलिए जब मैं गजल लिखता हूं तब आई एंटर इन ए कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। अब सुबह से जो बात हो रही है, अभी डॉक्टर दिलीप सिंह साहब ने जो बात कही, वो इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी की बात, इंटर डिसिप्लिनरी की बात जब उठी तो इमिजिएटली मुझे बेकल उत्साही की याद आई। शमशेर को बेकल उत्साही के साथ मिलाकर, अब बेकल उत्साही यदि, क्योंकि उर्दू डिपार्टमेंट के हेड साहब मेरे सामने बैठे हैं, यदि हम कहें कि बेकल उत्साही उर्दू के कवि हैं या हिंदी के कवि हैं, हिंदी विभाग में बेकल उत्साही पर एमफिल का काम हुआ और बेकल उत्साही के साहित्य पर अभी वही मोहतरमा पीएचडी कर रही है। और इस तरह सुबह जो हमारे विशेष साहब ने कहा कि शमशेर की कविताओं को हमें उर्दू डिपार्टमेंट में लगानी चाहिए और बेकल उत्साही को हिंदी विभाग अपना विषय मानकर अभी काम शुरू किया है। नज़ीर अकबराबादी को हिंदी विभाग ने अपना कवि मान लिया है और वो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। इस तरह एक और शमशेर जी खुद कहते हैं, मैं मानता हूं कि उर्दू हिंदी के अधिक निकट है, संस्कृत की बनी बस्त। हो सकता है मेरा एजुकेशन उर्दू में था इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन उर्दू वास्तव में हमारे भावों को जन के साथ अधिक निकटता से प्रकट करती है। हिंदी के बहुत बड़े कवि, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार वो उर्दू के बारे में कह रहे हैं, मैं दोबारा इसको कोट करना चाहूँगा, लेकिन उर्दू वास्तव में हमारे भावों को जन के साथ अधिक निकटता से प्रकट करती है। ये पता नहीं व्यर्थ झगड़े होते हैं भाषा के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, मुझे बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं कि आश्चर्य होगा ये सुनकर, उर्दू में गाय पर एक अच्छी कविता लिखी गई है। अब देखिए, अब इसकी तहकीकात मैंने शुरू कर दी है, वो उर्दू में वो कौन सी कविता है, उसका हम भारतीय संदर्भ में, हम बोलते हैं ना इंडियन लिटरेचर पर हमें जोर देना चाहिए, इंडियन लिटरेचर के ये बहुत अच्छे बिंदु हैं, बहुत अच्छे आयाम हैं जिन पर हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको आश्चर्य होगा कि ये सुनकर, उर्दू में गाय पर एक अच्छी कविता लिखी गई है, वास्तव में बहुत अच्छी है, चकबस्त की एक चकबस्त की वो कविता, वो कहते हैं। अब मुझे अपने बचपन की वो बातें याद आती हैं, कन्नड़ में गाय पर एक जबरदस्त कविता है, उसको हमने बायहार्ट कर दिया था और आज भी, नीनारिगादियो एले मानवा, इस तरह की कविता है, हे मानव तुम किसको, किसके उपयोग के लिए आया, मैं इस तरह का उपयोग, इस तरह का उपयोग, इस तरह का उपयोग, गाय बताती जाती है। मतलब भारतीयता के, भारतीय अध्ययन के सूत्र, भारतीय शास्त्र के सूत्र, इंडिया स्टडीज़ और इंडियन स्टडीज़ के सूत्र यहाँ शमशेर के पास बहुत अच्छे मिलते हैं। वो खुद इशारा करते हैं, उर्दू में चकबस्त की जो कविता है गाय पर, उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। फिर आगे चलकर वो कहते हैं, खेद का विषय है कि हिंदी में एक भी स्तरीय कविता, वास्तविक कविता हिंदी भाषा में नहीं मिलेगी, मेरा मतलब खड़ी बोली हिंदी से है। इस तरह शमशेर जी हिंदी भाषा को, उर्दू भाषा को जोड़ने की कोशिश हमेशा करते हैं, उर्दू संस्कृति को
हिंदी संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह जोड़कर वो भारतीय संस्कृति पर जोर देते हैं, भारतीय संस्कृति जहाँ कहीं झगड़ा नहीं है, भारतीय संस्कृति जहाँ हर एक मजहब को प्यार से, हर एक मजहब को प्रेम से देखता है और हर एक मजहब के अर्थ को जानने की कोशिश करता है, इस पर शमशेर जी हमें जोर देते हैं और कहते हैं ये हर एक मजहब को, प्रत्येक मजहब को प्यार से, गौरव से, इज्जत से देखने का जो दृष्टिकोण है वो हिंदी में भी है, वो उर्दू में भी है। और इस तरह कहते हुए हमें ये दूसरा दृष्टिकोण देते हैं कि हमें मजहब के सही अर्थ देखना है, भाषा के सही अर्थ देखना है, भारतीयता को ढूंढना है, तो दोबारा हमें शमशेर को नई दृष्टि से, नए दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। अब एक और वो लिखते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे लिए बहुत पसंद की बात इसलिए है कि मैं उर्दू सीख रहा हूँ। वो कहते हैं मैं बचपन से ही उर्दू और हिंदी को तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ता था। डॉक्टर साहब आप जो तुलनात्मक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तुलनात्मक दृष्टि के सूत्र बार बार यहाँ इनमें हम देखते हैं और इंग्लिश से भी उनको मैं कंपेयर करता था। एक जबरदस्त बात उन्होंने कही है, हिंदी के विद्यार्थी हम लोग हैं इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं मानता हूँ कि उर्दू गद्य ज़्यादा रिफाइंड और अच्छा है हिंदी से। उसको दोबारा मैं कोट करना चाहूँगा, मैं मानता हूँ कि उर्दू गद्य ज़्यादा रिफाइंड और अच्छा है। मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, हालांकि उन्होंने कहा है ज़्यादा ज़्यादा। फिर वो आगे चलकर कहते हैं इट हैज़ ए फाइनर क्वालिटी ऑफ पोएट्री। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा पेपर परिपूर्ण नहीं है, कुछ चीज़ों के साथ अपनी बातें मैं आपके सामने रखी और यहाँ एक बात मैं इसको कहे बिना नहीं रहूँगा। डॉक्टर साहब आपने जो बात कही, सुबह नामोर सिंह जी ने जो बात कही, वीसी साहब ने जो बात कही कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी और उर्दू के बीच का ब्रिज हम मान ले, सेतु मान ले, हिंदी विभाग और उर्दू विभाग साथ साथ काम करे, कंपैरेटिव स्टडी करे, इंडियन स्टडीज भारतीय साहित्य का अध्ययन करे, इस पर हिंदी विभाग आगे बढ़ेगा और उर्दू विभाग का हमेशा सहयोग है। ये मानकर हम विभाग के चारों लोग चलते हैं हिंदी विभाग में कि हम केवल हिंदी का काम करने इधर नहीं आए हैं, हम इधर आए हैं, हम उर्दू यूनिवर्सिटी में हम हैं, हमारा परम कर्तव्य है कि हिंदी विभाग को उर्दू विभाग के साथ जोड़ें। मैं उर्दू विभाग के प्रथम अध्यक्ष और मेरे अच्छे मित्र खालिद सईद साहब से हमेशा मेरा झगड़ा ये रहता है प्यार का कि मैं चार बरस से आपके पीछे पड़ा हूँ, इस तरह का एक कोर्स करिए जिससे हम नॉन उर्दू लोग हैं, हम उर्दू सीखना चाहते हैं, हम उर्दू सीखने को, केवल हम टीचर्स नहीं, जितने भी इंग्लिश एंड उर्दू विभाग हिंदी विभाग में नॉन उर्दू बैकग्राउंड से बच्चे हैं, नॉन उर्दू बैकग्राउंड से हम टीचर्स हैं, हम उर्दू सीखने को तैयार हैं। इसलिए कि यहाँ आने के बाद मुझे मालूम हुआ मैं हिंदी का परिपूर्ण प्राध्यापक नहीं हूँ। हिंदी का वो आदमी परिपूर्ण प्राध्यापक होगा जब उनकी हिंदी के साथ वो उर्दू के भी जानकार, तभी हम परिपूर्ण हिंदी प्राध्यापक कहे जा सकते हैं। मैं अध्यक्ष महोदय को, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार।